भाई सही में इतने नखरे तो भैया लड़कियों के नहीं होते जितने आजकल चल रहे हैं लाइट वालों के। सच में गाइस हर 5 मिनट में लाइट जा रही है, हर 5 मिनट में भाई। सुबह से ऐसा हो रहा है, बल्कि सुबह से नहीं रात से ऐसा हो रहा है। सही में मुझे एडिटिंग में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और साथ ही साथ गेम प्ले में भी, बिकॉज यार हाथों में पसीना, गर्मी इतनी भयंकर, डिवाइस का हीट होना काफ़ी कुछ, और नज़ारा भी कुछ इस प्रकार है कि अभी भी लाइट मेरी जा चुकी थी। सही में यार, और स्क्रीन पर आ रही है लोडिंग और बगल में भी है, तुम देख लो बंद है। आई नो किस्मत मेरी खराब है, बट इतनी भी नहीं कि भैया ये बंदा मेरे को यहाँ पे मार दे। यार लॉक जरूर कर दिया, लेकिन मेरे टीममेट जो मेरे को बचा लेता है, और जैसे ही मैं रिवाइव होऊंगा ना भाई, यहाँ पे हीलिंग के नाम पे कुछ नहीं है, हेलमेट के नाम पे कुछ नहीं है, वैश के नाम पे कुछ नहीं है, बट लकीली यहाँ पे मिल जाती है मेरे को एक वेक्टर, और उसे लेके मैं चल पड़ता हूँ इन बंदों पर रश करने के लिए। अब देखने वाली बात है ये चीज मेरी कितनी सही होने वाली है और कितनी गलत। पीछे एक जो बंदा आया ना, वो एक अलग स्क्वाड का, उसने M24 से जो पीछे टीवी बंदा लगता उसे नॉक कर दिया है, और ये बात मैं समझ जाता हूँ, इसीलिए मैं भैया तुरंत इस बंदों पे पुश कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने दोनों ही बंदों को जो भर दिया है, और यहाँ पे गाइस शुक्र है यहाँ पे गन तो डिसेंट मिल चुकी है और कुछ बूस्टर वूस्टर भी मिल जाते हैं। बट गाइस तुम सबसे पहले बस ये सुन लो भैया, फिर से भाई फिर से किस्मत खराब, मतलब सही में यार। एक तो वैसे ही हीलिंग के नाम पे कुछ नहीं है, लाइट मेरी जा रही है, गॉन गॉन हो रही है, और यहाँ पे मेरे टीममेट के भी डेड चीने भुला लिया उन्होंने, तो भैया वो तो ऑफलाइन आता है। बट जैसे मैं यहाँ पे लूट अभी खोज रहा होता हूँ, तभी मुझे लेफ्ट साइड में कुछ बंदे दिखाई देते कंटेनर के ऊपर। अब भाई साहब मुझे पता है मैं अकेला हूँ यहाँ पे, टीममेट ऑफलाइन है, तो थोड़ी सी कैंपिंग तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। लेकिन गाइस तुम यहाँ पे देखो, ये बंदे कितने चौड़ में ऊपर उधर घूमे जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा थोड़ी देर बैठूंगा, और जैसे ही थोड़ा सा पास आएगा ना कोई बंदा, उससे नॉक प्लस फिनिश जाऊंगा, कम से कम एक किल तो लेके जाऊंगा। और गाइस सभी भाई मैं इस बंदे को छोड़ देता एक बार को, लेकिन इसने मेरे टीममेट को फिनिश कर दिया, तो मैंने भी कर दिया फिनिश। बट इतने में भैया यहाँ पे देखो मेरे पे धुआंधार पुश हो चुका है, और भाई सही भाई यहाँ पे देखो सामने 3 बंदे, मैं अकेला हूं, और गाइस हाथ में थॉमसन। बंदा काफी लिट था, लेकिन मैं ओवर कमिट नहीं करना चाहता, इस चक्कर में मैं कवर में आया और यहाँ पर लॉस्ट बंदे को भर दिया है, और भाई सही में गजब का क्लच निकला। फिलहाल तो यहाँ पे लेकिन लूट लूट करके मैं फिर से जो निकलने की तैयारी करूंगा, लेकिन साथ ही साथ गाइस यहाँ पे तुम्हें एक चीज और देखने को मिल जाएगी फिर से, वो ये कि भैया हम वापस ये लैब वाले गेम खेल रहे थे, मतलब ये ट्रैवर्स मोड ऑब्वियसली, और जैसी मैं इस तरह बात हो गया यहाँ पे जंग छिड़ी पड़ी है, मुझे पहले ही बात नहीं पता थी, लेकिन जैसी पता चलती है भैया मैं अपनी गाड़ी का रोस्टर मोड़ देता हूँ, और भाई सही में यहाँ पे छोटे मियाँ आपस में लड़ रहे हैं। भाई साहब एक गोली तो उसे कनेक्ट हो गई थी, लेकिन उसका दो कवर पे चला था, लेकिन जैसे मैं इस तरफ आया ना भैया एक मकड़ी और गया थी मेरे को, सॉरी ये आंटी, अरे मतलब एंट। भाई इन पे एम करना भी इतना आसान नहीं कसम से। फिलहाल जब तक इंसान ने बंदे थे, और मुझे पता है अब वो पक्का इंसान बनेंगे ही बनेंगे, बिकॉज हम थे पास। उस बंदे को हिलने तक का मौका नहीं मिला होगा, और यहाँ पे इसे तो मैंने भर दिया है। बट अब भी गाइस इस गेम में भी अगर तुम्हें नोटिस कराओ कि अब भी यहाँ पे हमें बाहर एक और जो है
अंटी सॉरी एंट देखने को मिली थी जो कि उड़ रही थी, जैसे कि हमने बातें मारने की कोशिश करी थी बट वो बग जाती है, वो अभी भी यहाँ पे गोला बारूदी फेंके जा रही है। फिलहाल जोन आ चुकी थी तो मैंने सोचा यार छोड़ो यार क्या एक किल के चक्कर में खाम खाम यहाँ पे बैठे रहेंगे, तो मैं जो गाड़ी लेके चला आता हूँ आगे की तरफ बट गाइस ये देखो ये वही एंटी है एंट यार ठीक है तो मेरी भावना समझ जाओ बस तो ये वही एंट है जो ही भैया पीछे थी। फिलहाल ये भी जोन में आ चुकी बट मेरे ख्याल से नियता था इससे, मुझे लगा ऐसा पर्सनली। फिलहाल तो गाइस खूब सारा मैंने यहाँ पे हग दिया है बट यार मैं क्या बोलूँ हाथ में पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था बिकॉज यहाँ पे मैं मोबाइल डाटा खेल रहा था, मोबाइल डाटा के पिंग भैया बहुत ज़्यादा फ्रक्चर हो रहे थे। बट जब तक यहाँ पे मैं गाड़ी लेकर निकल आता हूँ और जैसे मैं इस तरफ आया भैया उसकी बगी यहाँ पे ठुकी होती है, अब क्यों ये तो मुझे नहीं पता बट जैसे मैं इस तरफ आया भैया ये बंदा मेरे को लेफ्ट में दिख जाता है ये देखो, और मेरे ख्याल से अभी भी नियंत्रता ही है सही में यार अभी ऐसा क्यों कर रहा है मुझे तो मुझे नहीं पता था। ऐसे पैसिफिस्ट नहीं यार वो तो सोलो में मिलता है बट जो भी है यार मुझे तो फिलहाल खिल चाहिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बट गाइस यहाँ पे देखो यार वो बंदा नियत्ता है और मेरे पे गोली चलाई ही नहीं गई मतलब सही में यार। हेड में थोड़ा सा जंप वंप करता हूँ और वो बंदा भी भैया काफी भरोसेमंद वाला था बट मैं दुआ कर रहा था उस पर कोई गन बन ना हो ना मेरे को भर दे कहीं, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो बंदा काफी शरीफ डिसेंट टाइप में था। तो यहाँ पे हमने कर ली दोस्ती और दोस्ती ये ज्यादा देर तो मैं नहीं निभाऊंगा लेकिन जो भी है यहाँ पे मेरा काम बस इतना सा है कि मैं इसे एक गन दिलाऊंगा और उसके बाद भैया ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते निकल लेंगे। फिलहाल जो भी था मैं इस कंपाउंड में से लेके आता हूं और यहाँ पे देखो इसे कोई एसकेएस टाइप में गन मिल चुकी है जो भी है तो ठीक है इनफ है। अभी हमें भैया किल विल भी चाहिए, 8 किल थे मेरे, ज्यादा किल थे भी नहीं। तो मैं जो ऐसे गाड़ी में बिठाता हूँ और निकल लेता हूँ आगे जोन की तरफ बिकॉज जोन तो भैया बहुत जल्दी कटती सही में, और उसके बाद के आगे जाके इसे एक बगी पे जो छोड़ दूंगा और फिर मैं अपने रास्ते और भैया ये जो है अपने रास्ते अब जा दोस्ती हम नहीं निभाएंगे ठीक है बस उतर जा मेरे भाई। चलो भाई ये नहीं उतर रहा हम ही उतर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं छोड़कर निकल लेता हूँ वापस से बचे कुछ कुछ बंदों की तलाश में और उसके बाद भाई साहब अभी एक गजब का 1v4 फिर से होने वाला है। अब बेसिकली मैं यहाँ पे आ चुका था बिकॉज उनके सेंटर में थे और मुझे लगा ऐसे यहाँ पे बंदे आएंगे और यकीन मानो मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता है। भाई यहाँ पे स्क्वाडो कितने प्यारे तरीके से मरा मतलब सही में यार। बट जो भी देखा यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था बढ़िया मस्त मौला बंद तुमने बंदों को अच्छी तरह से मारा। अब फिलहाल हम जोन से फिर से बाहर आते हैं तो वापस से अपनी बगी उठाकर जो हम चल पड़ते हैं जोन की तरफ और जैसे ही मैं अपनी बगी इस तरफ लेके आता हूँ भाई साहब मुझे ओपन में दिखता है ये बंदा काफ़ी लेट सीट चेंज हुई सही में। बट जो भी यहाँ पे मरते मरते बचे हैं और हेलमेट तो बिल्कुल ख़त्म ही है, अब इस चीज़ का नुकसान मुझे आगे जाके देखने को मिल जाएगा लेकिन फिलहाल तो मैंने सबसे पहले हील कर ली और जैसी बगी लेकर निकलूंगा भैया राइट साइड में जो गाड़ी ड्रॉप पे कुछ बंदे तो मैं गाड़ी जो है सामने वाली रिश्वत रोक देता हूँ और इसको इनसे जो फाइट लेने की कोशिश करता हूँ। बट गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद थी। अब ये कौन सा टेक्निकल इशू था ये तो मुझे नहीं पता बट सही में मुझे यहाँ पे रोना सा आ गया था बिकॉज मैं काफ़ी देर से खेल रहा था और भैया गेम पर निकलने का नाम ले ही नहीं रहा था, कभी गर्मी के कारण कभी पसीने के कारण मैं जो मरे ही जा रहा था। फिलहाल इसी के साथ मैंने एक गेम और स्टार्ट करी
अब भाई ये एक झटके में तो 6 किल मिले ना भैया, सही में इसके लिए तो मैं लैग तो करना पड़ेगा सही में। लड़का यहाँ पे मैं लूट वूट कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे साथ जॉर्डन पुल अभी खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है, बिकॉज बंदे और भी थे यहाँ पे, और ये शक मेरा काफी हद तक सही भी होता है, बिकॉज जैसे ही मैं इस तरफ आता हूँ भाई सही में यार बहुत से बहुत आधी गोली का होगा, कोई फूक मार दे कसम से वो बंदा वहीं पर नॉक हो जाएगा। फिलहाल जब तक बंदा लिट था तो मैं उसकी तरफ क्लोज इन कर देता हूँ फटाक से। अब इस बंदे के पास है भैया उजी, और कसम से मेरी क्लोज रेंज में भैया उजी से बहुत बड़ी दुश्मनी है, तो यहाँ पे मैं घुसने से पहले यहाँ पे इसकी पेटी चेक कर लेता हूँ, क्या पता मुझे थ्रोएबल्स मिल जाए, और लकीली मिल भी जाते हैं तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा लिट करके भैया फिर इसमें पुश करेंगे। अब यार ग्रेनेड तो काफी ओपी था बट पता नहीं कैसे वो बंदा फटा नहीं, बट जब तक अब यहाँ पे थी फाइनल एक मॉली तो वो मैंने थ्रो करी एंड गाइस उसके चपेटे बंदा भरपूर आया था, लेकिन क्योंकि ये बंदा नॉक हुआ है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करता हूँ, बट भैया आराम से बैठे हुए तो मतलब साफ है इसका कोई टीममेट आसपास नहीं है, तो जल्दी से भर के भैया हम निकल लेते वापस से और बंदों की तलाश में। और अब ये भाई शायद से पहली बार खेल रहा था ये मोड, तो जो भी है इसे इसका भुगतान भरना पड़ेगा। अब जो भी तक एक बंदे के फर्स्ट टाइम मुझे अभी ऊपर से आ रहे हैं तो मैं फटाफट उसकी तरफ क्लोजिंग कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले भैया यहाँ पे थोड़े से नेट वगैरह मैंने करने के बारे में सोचा, लेकिन इतने में ये बंदा जो पीछे हट जाता है तो मैं ऊपर भगता हूँ उसकी तरफ एंड। अब यार यहाँ तक तो भैया बढ़िया गेम चल रहा था, लेकिन आगे जाके फिर से मैं इस गेम में मर जाता हूँ। अब मैं इस बार अपनी मौत नहीं दिखाने वाला बिकॉज बहुत ही गंदा मैंने हगा था, बट यार जाते जाते ये खतरनाक मेरा पर्सनल भाई साहब बहुत खुश हुआ था मैं सीन को देखकर भैया, वो तुम देखते जाओ। अब फिलहाल मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट करता हूँ अपने आप को। चीटी कहाँ है मैप में, मेरे को दो पंख हो रहे हैं, मतलब दो तो यार सही में कभी तुम्हारा पाला पड़े ना इन एंट मैनों से, तो ऐसे इन्हें मारने की कोशिश बिल्कुल करना मतलब एमओ वगैरह वेस्ट करने से बढ़िया है। तो फिलहाल के जाके तुम्हें वीडियो लगी कैसी, आई नो चिकन नहीं था बट गाइस काफी सारे मूवमेंट बहुत ओपी थे, तो बताना जरूर कमेंट करके, और अगर अच्छे लगे भैया वीडियो और वो मूवमेंट तो भैया हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी मैं भी चलता हूँ, मिलूंगा वीडियो तो ले, बाय गाइस, लव यू, स्टे इन टच, कीप सपोर्ट।